आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम ये पोशाक बनाना सीखेंगे। बहुत ही प्यारी पोशाक है और बहुत ही इजी पोशाक है। तो आप इसको छोटे और बड़े कान्हा जी के लिए भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने जो पट्टी बनाई है, तो आप इस पट्टी को, अगर आपको 0, 1, 2, 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाना है, तो आप इस पट्टी को, ये जो हमने पफ बनाए हैं, ये हमने 6 और 6 12 पफ बनाए हैं, तो आप इसको 10 पफ बना सकते हैं। इसके बाद आप इस तरह से ही बनाए, घेरा बनाने के लिए छोटा घेरा बनाए आप। और आपको अगर ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए चाहिए, तो ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने बनानी बताई है। तो 6, 7, 8 कान्हा जी के लिए, नंबर कान्हा जी के लिए चाहिए आपको, तो आप घेरा बनाएं और ये पफ इतने ही बनाएं। ये 12 पफ है, ये 12 पफ ही बनाएं आप। तो आप इस तरह से छोटे बड़े कान्हा जी, दोनों कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सुंदर सुंदर पोशाक आप बना सकें और अपने कान्हा जी को पहना सकें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने पहले से ही चोली बना कर रखी हुई है। चोली अगर बनानी नहीं आती है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से इतना स्टार्ट करेंगे, क्रोशिया हुक को डालेंगे, इस तरह से धागा लेंगे, इस तरह से क्रोशिया हुक पर लेंगे धागा, एक चेन लेंगे और यहीं पर एक बार और डालकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। हम 3 चेन लेंगे, ये हमने 3 चेन लिए, ये एक डबल क्रोशिया होता है हमारा, 3 की चेन। फिर से इसी में डालकर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया। तो देखिए, हम डबल क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं। क्रोशिया में हमारा एक फंदा है, दूसरा फंदा इस तरह से लेंगे और यहाँ पर ये जो हमारा ये चेन बनती है, यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे, धागा लेंगे, ये हमारे 3 फंदे हो गए क्रोशिया पे, 3 का 2 कर देंगे और 2 का 1 कर लेंगे। तो इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो अब नेक्स्ट में बनाएंगे 2 बार, एक बार हो गया, यहाँ पर ही एक बार और बना देंगे हम, ये 2 बार हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, इस धागे को हम साथ में लेंगे ताकि ये धागा दिखे नहीं और हमारी पोशाक में फिनिशिंग आए। इस तरह से डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर हमने एक बार बनाया है, नेक्स्ट में बनाएंगे 2 बार, नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, नेक्स्ट में बनाएंगे 2 बार, देखिए इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ हमने 2 बार बनाया है, अब इसमें हम नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। यहाँ पर हमारे 2 बार थे, एक 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया बनाया था हमने, तो ये 2 बार थे, सभी में हमने बना लिया है, एक में एक बार, एक में 2 बार। तो यहाँ पर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर से हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, एक बार और यहीं पर क्रोशिया हुक को डालकर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे हम, नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, फिर 2 बार बनाएंगे। अब हमें क्या करना है कि हम 2 में तो एक एक बार बनाएंगे और 3rd चेन में जाकर हम 2 बार बनाएंगे। कि एक बार बनाया, एक बार बनाया, यहाँ पर 2 बार बनाएंगे। नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, 1, 2।
देखिए, अब हमने इसमें फर्स्ट राउंड में क्या किया था, हमने एक में हमने दो बार बनाए थे, एक चेन में हमने एक बार बनाया था, फिर दो बार बनाए थे, फिर एक बार बनाया था। सेकंड में हमने क्या किया है, एक में दो बार किया है, फिर एक में एक बार, दो में एक एक बार किया है, फिर थर्ड चेन में जाकर हमने फिर से दो बार किया है, दो चेन में दो एक एक बार किया है, फिर थर्ड चेन में आकर हमने दो बार किया है। अब इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हमने तीन राउंड और बनाने हैं, ये टोटल पांच राउंड होंगे। तो एक राउंड हमने बना लिया है, सेकंड राउंड हमारा चल रहा है, तो इसके बाद हम तीन राउंड और बना लेंगे। देखिए थर्ड राउंड में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम दो बार बनाएंगे, फिर एक एक बार बनाएंगे तीन बार, फिर चौथी चेन में आकर हमने दो बार बनाना है, और फिर नेक्स्ट राउंड में हम बनाएंगे पांचवी चेन में हमने दो बार बनाना है, फिर नेक्स्ट राउंड में बनाएंगे हम छठी चेन में हमने दो बार बनाना है। तो इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट करने के बाद फिर बताते हैं, ये देखिए हमने अपने पांच राउंड पूरे कर लिए हैं। तो इस तरह से बनकर आई है हमारी पोशाक, कोई झोल नहीं है। इस तरह से बनाएंगे आप तो कोई झोल नहीं आएगा आपके पोशाक में। यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, इस तरीके से यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। और ये देखिए हमने यहाँ पर ये दो बार किया था, फिर एक बार किया था, फिर ये दो बार किया था, फिर एक बार किया था, फिर दो बार किया था। अब हमने यहाँ इसमें नेक्स्ट में क्या किया था, दो बार किया है, फिर तीन में हमने एक एक बार किया है, फोर्थ में दो बार किया है, इसमें देखिए हमने दो बार किया है, यहाँ पर हम फिफ्थ में आकर दो बार किया है, वन टू थ्री फोर में वन वन करके फिफ्थ में हमने दो बार किया है, नेक्स्ट में हमने दो बार किया है, फिर वन टू थ्री फोर फाइव में वन वन करके फिर दो बार किया है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये राउंड बनाया है, फिर नेक्स्ट में भी हमने ये दो बार किया है, ये दो बार किया है, इसके बाद हमने वन टू थ्री फोर फाइव बनाकर फाइव में एक एक बार किया है, फिर नेक्स्ट में हमने दो बार किया है। तो इस तरह से इस राउंड को हमने कंप्लीट किया है। तो चलिए धागा कट कर देते हैं, तो ये धागा कट कर दिया है हमने। अब हम नीचे यहाँ पर लेस वाली पट्टी बनाते हैं अपनी, तो ये देखिए किस तरह से बनाएंगे हम। तो ये हमारा धागा है और यहाँ पर हम इस तरीके से पांच फंदे लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पर इस तरीके से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम इस धागे को इस तरह से खींचेंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं खींचना, ज़्यादा छोटा भी नहीं खींचना, हमें मीडियम साइज़ का खींचना है। इस तरह से खींचेंगे, धागा लेंगे और फिर ये जो हमारा लूप बन गया है इसको क्रोशे हुक को इस लूप में डालेंगे और इस तरह से ये दूसरा ले लिया हमने, फिर धागा लेंगे, फिर से हम एक बार और करेंगे। तो ये हमारे तीन बार हो गया, इस तरीके से यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, ये हमारा पफ बन गया है। एक चेन लेंगे, अब हमें यहाँ पर अपना नेक्स्ट कलर लगाना है, ये देखिए ये हमने नेक्स्ट कलर ले लिया है अपना, इसको इस तरह से निकालेंगे, इस धागे को हम टाइट करके पकड़ के रखेंगे। इस लूप में से निकालेंगे अब हम, इस लूप में से एक बार, दो बार, तीन बार, इसको फिर से इस तरह से करेंगे। बंद कर दिया हमने, एक चेन ली, ये हमारा धो गया। अब हम इस धागे को छोड़ देंगे, इस धागे से बनाएंगे। इस तरह से लेंगे चेन, इस धागे को हम टाइट कर लेंगे, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, इसको
को बंद कर लिया हमने। एक चेन ली, इस धागे को छोड़ देंगे हम, इस धागे से बनाएंगे अब हम। इस तरीके से ये धागा स्टार्ट किया कि लूप में से एक बार निकाला, ये सेकंड बार निकाला और ये थर्ड टाइम। इसको हम बंद कर देंगे चेन से, एक चेन लेंगे और हम इस धागे को छोड़कर अपना नेक्स्ट कलर लेंगे। अब हमने इसको हमने ये हमारे दो दो बार हो गए, 1 2 1 2, तो ये हमारे दो दो बार कलर हो गए। इसमें हम छः छः बार बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे इस तरह से लेंगे, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, सेकंड कलर लिया, एक बार, दो, तीन। एक, दो, तीन। इसको लेंगे, एक, दो, तीन। इसको हम इस तरह से कर लेंगे, स्पेस लगा ले लेंगे अपना, ताकि हमारे इसमें छः छः बन जाएँ। तो ये हमारे चार चार बन गए हैं, तो दो दो और बनाएंगे यहीं पर हम। तो देखिए हमने छः छः बार बना लिए हैं अपने, बहुत इजीली बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। इस धागे को लेंगे हम, इस धागे को इस तरफ कर देंगे, इस धागे को लेंगे और यहाँ पर हमने ये जो पफ के ऊपर चेन बनाई थी, इसमें नहीं दिखेगी आपको, बट ये जो पफ के ऊपर चेन बनाई थी हमने, यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों दोनों चेन की दोनों वो लेनी है इस तरीके से। यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर दिया है हमने, देखिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने ये बनाया था, इसको टाइट कर लेंगे। अब हम अपना वाइट कलर लेंगे, इस तरह से वाइट कलर को हम इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर हम ये जो जहाँ पर हमने ये अटैच किया है पफ के ऊपर वाले चेन में, यहाँ पर ही हम इसको इस तरह से निकाल कर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे और इस धागे को हम टाइट कर लेंगे। अब ये जो हमारे दो पफ के बीच में हमने चेन बनाई थी, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से क्रोशिया को डालकर यहाँ पर हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने दो सिंगल क्रोशिया बना दिए। अब ये जो पफ के ऊपर हमने ये चेन बनाई थी, इसमें हम इस तरीके से डालकर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो हमारे पफ के बीच में जो चेन है, यहाँ पर हम दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम ऑरेंज कलर के ऊपर ये जो हमारी चेन है पफ के ऊपर, इसमें डालकर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो हमारी दो चेन के बीच, दो पफ के बीच में चेन है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे दो बार इस तरीके से। तो ये हमारे एक 1 2 3 3 पफ के ऊपर काम किया है हमने। अब 3 पफ के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया,
एक बार बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर बनाएंगे हम दो बार। यहाँ पर बनाएंगे हम एक बार, यहाँ पर बनाएंगे दो बार, एक दो। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 अभी 5 के ऊपर वर्क हुआ है। तो यहाँ पर और वर्क करेंगे हम, यहाँ पर और बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। यहाँ पर बनाएंगे हम दो बार। तो ये हमारी 6 चेन अपने वर्क में, 6 पफ हमारे यूज़ में आए हैं। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और एक बार यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट में यहाँ पर हम ऑरेंज के ऊपर यहाँ पर चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हम दो बार बनाएंगे इस तरीके से, फिर नेक्स्ट में हम यहाँ पर पफ के ऊपर वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये तो बीच में गैप है, यहाँ पे चेन ली थी हमने, यहाँ पर हम दो बार हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम दो बार, एक दो, यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया, यहाँ पर दो बार बनाएंगे, एक दो, नेक्स्ट यहाँ पर एक बार बनाएंगे, यहाँ पर दो बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक बार बनाएंगे, यहाँ पर हम दो बार बनाएंगे, तीन चेन लेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस धागे को हम इस तरह से छोड़ देंगे। अपना नेक्स्ट कलर लेंगे हम, यहाँ पर हमने अपना नेक्स्ट कलर ले लिया। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें इस तरह से अभी स्टार्ट नहीं करना है, ये हम वाइट कलर को लेंगे। अभी हमारी ये जो फर्स्ट चेन है यहाँ पर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। धागा कट कर लिया है हमने, देखिए। अब ये जो हमने दो चेन छोड़, ये दो धागे छोड़े थे, अब इसमें से हम एक कलर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे और एक चेन लेंगे। अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है, हमें सभी चेन के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए सभी चेन के ऊपर हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से बना लिया हमने। अब यहाँ पर हम क्या, हमें क्या करना है, एक चेन लेकर हम इस धागे को कट कर देंगे। इस धागे को थोड़ा लंबा करके कट करें, छोटा कट ना लगाएं। ये देखिए हमने धागा कट कर दिया है। ये अपना ये सेकंड कलर लेंगे अब हम,
ये देखिए यहाँ पर से ये जो हमारी इसके नीचे यहाँ पर जो चेन है इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह से इसको लेंगे। चेन लेंगे अब यहाँ पर भी हम सभी के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। इस तरीके से हमने सभी चेन पर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है, लास्ट था हमारा। अब हमें यहाँ पर भी एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। देखिए हमने धागा कट कर लिया है, इस तरह से ये हमारी टिक्की बनकर आई है। अब हमने यहाँ पर ये इस तरह से अपनी लैस बनाकर रखी हुई है, तो ये लैस हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए लगाने बताते हैं अभी आपको। तो ये देखिए यहाँ पर हम किस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे, इसको हमने इस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये येलो पट्टी इधर आई है फिर इधर, देखिए क्रोशिया हुक को हम इस तरह से यहाँ पर डालेंगे और इस धागे को लेंगे नीचे की तरफ निकाल देंगे इस धागे को हम। और फिर से अब ये जो हमारा धागा था इसको हम इस तरह से निकालेंगे, क्रोशिए को इसको हम इस तरह से निकाल देंगे नीचे की तरफ। ये हमारा नीचे आ गया, ये हमारी जॉइन हो गई, इसको हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इस तरीके से ये हमने नॉट लगा दिए। अब हम यहाँ पर दूसरी ज्वाइन करेंगे, देखिए इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, इसको भी हम इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे, इस धागे को इसमें डाल देंगे और इस धागे को हम इस तरह से ये ज्वाइन कर लेंगे हम। ये देखिए हमने सभी को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है, आपस में अटैच कर दिए ये सभी हमने। तो ये टोटल हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आई हैं। अब इसको हम इस तरह से पोशाक पर लगाएंगे, देखिए इस तरह से, थोड़ा पास कर लेती हूँ मैं। इस तरह से हम पोशाक पर लगाएंगे। तो देखिए इनको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसको भी हम इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम इस धागे को निकाल देंगे पीछे की साइड, यहाँ पर क्रोशिया हुक को डालकर हम इस तरह से निकाल देंगे, इसको टाइट कर लेंगे अब हम यहाँ पर इस तरह से। नॉट लगा लेंगे, देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड बनकर आया है। देखिए हमने इस तरह से इसको लगाना है,
इसको हम पहले सेट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है इसको, ये देखिए ये हमारा राउंड है। ये देखिए फर्स्ट और सेकंड राउंड पे हमें ये काम वर्क करना है अपना, फर्स्ट राउंड पर नहीं करना है। तो ये हमारी बीच में वाइट कलर है इसलिए हमने वाइट कलर का धागा डाला है सुई में। ये देखिए इसको इस तरह से यहाँ पर हम इस तरह से डालेंगे, कहीं से भी हम अपना स्टार्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट में से ये देखिए फर्स्ट को दबाते हुए इस तरह से नीचे की साइड ले जाएंगे, इस तरह से लाकर हम ये हमने नॉट लगाई थी एक, यहाँ पर हम इस तरीके से निकाल देंगे। ये हमारा पक्का हो गया। तो अब हम इसको रख कर सिलेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये रख लिया ड्रेस, इसको अब इस तरह से यहाँ पर क्रोशियो निकालेंगे हम क्रोशे को, और ये हमें वर्क अपना यहाँ पर करना है। देखिए इस तरह से लेंगे और एक क्रोशियो को दबाते हुए हम ये टेढ़ा आ जाएंगे यहाँ पर, इस तरह से टेढ़ी सुई निकालेंगे हम। ये हमें वर्क अपना वाइट वाइट कलर की ऊन में ही करना है, वाइट में हमें वाइट कलर से ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे अब हम, देखिए अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए इसको इस तरह से यहाँ पर आएंगे, इस तरह से हम सीधे हम यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से देखिए इसको हम ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं सिलेंगे, ना लूज हाथों से सिलेंगे। इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे हम, देखिए इस तरह से हम ये सिलकर कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये हमने सिल ली है और इस तरह से आई है ये हमारी पोशाक, बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको ये पोशाक कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और राधे राधे ज़रूर लिखना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।